देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य यही है कि बिहार के हर व्यक्ति को जागृत करना, जिसके हृदय में बिहार बसता है, जो बिहार को बदलते देखना चाहता है, उत्कर्ष पर देखना चाहता है, उज्ज्वल भविष्य चाहता है। आज कटिहार में युवा संवाद आयोजित हुआ है, जो बिहार का अभी तक का 31वां जिला है जहाँ पर युवा संवाद भौतिक रूप से पहली बार हुआ है, और सीमांचल में ये पहला जिला है जिसमें पूरे सीमांचल में संदेश को हम लोगों ने अभियान के संदेश को प्रसारित करने का प्रयास किया है। संदेश बड़ा स्पष्ट है कि बिहार में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, यदि हम उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण तब कर सके जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी, यदि हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सके जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं थी, तो कारण एक ही था, हमारी सोच अलग थी। बिहार में जातियाँ तब भी थी लेकिन इस प्रकार का जातिवाद नहीं था। हर व्यक्ति में समानता देखना वेदांत की दृष्टि रही है, हर जीवित आत्मा में देखना उस प्रकार की दृष्टि को लेकर जब बिहार बढ़ रहा था जिसमें भेदभाव नहीं था, तो हम जोड़ पा रहे थे, अफगानिस्तान तक जोड़ रहे थे। आज भी बिहार को यदि आगे बढ़ाना है, जाति धर्म लिंग भेद छोटे छोटे बात जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं, उसे अलग होकर मिलकर केंद्रित होकर ऊर्जा सही दिशा में, शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में और उद्यमिता के विकास में लगाना होगा। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृतियों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। ऐसे सभी लोग जो सकारात्मक सोच रखते हैं, यदि एक मंच पर आ जाएं, मिलकर प्रयास करें कि बिहार को अपना छोटा सा योगदान हम करें, यही लेट्स इंस्पायर बिहार का प्रयास है। अभी तक करीब 70,000 ऐसे बिहार के लोग पूरे बिहार के सभी जिलों में स्वैच्छिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप्स में सीधे रूप से जुड़े हैं, और बिहार के बाहर जो भारत के महानगर हैं, विदेशों में जो ऐसे बिहार के लोग रहते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जुड़ चुके हैं। अनेक तरीकों से लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 14 गार्गी पाठशालाएँ चल रही हैं जिसमें महिलाएँ वंचित बच्चों को पढ़ाती हैं जो बच्चे स्लम्स पर रहते हैं। अनेक संस्थान, अनेक विद्यालय ऐसे जुड़े हैं जो निःशुल्क पाठशालाएँ चलाते हैं उन बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाह रहे हैं, UPSC की, IIT की, मेडिकल की, 9th-10th के बच्चे, अलग अलग जो भी लोग जुड़े हैं अपने स्तर से प्रयास करते हैं। डॉक्टर्स जुड़े हैं, कटिहार में डॉक्टर कमर हाशमी जुड़े हैं, अनेक मेडिकल कैंप्स उनके द्वारा लगाए गए, पटना में जुड़े हैं, यहाँ पर मुजीबुर रहमान जी, मंगलम जी कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके माध्यम से पूरी टीम बनी है जो प्रयास कर रही है कि ऐसे लोग कटिहार में भी जुड़ें जो कुछ योगदान समाज को करना चाहते हैं। इस पर आज बृहद संवाद हुआ है, आगे भी इस परंपरा को हम लोग स्थापित रखेंगे और समाज में ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रदेश में सर आगे चल के क्या इसका राजनीतिक लाभ भी लिया जाएगा? देखिए, उद्देश्य बड़ा है, राजनीतिक उद्देश्य होता है किसी चुनाव को जीतना, किसी पद को प्राप्त करना। हमारा उद्देश्य बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य का निर्माण है, जो किसी केवल छोटे उद्देश्य से नहीं हो सकता, हर व्यक्ति की जरूरत है, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय को जोड़कर ही संभव है। तो इसीलिए हम लोग इस प्रयास करें कि हर बिहारवासी को जगाएं और बताएं कि तुम क्या थे और जब थे तो क्यों थे। ये काम केवल सामाजिक अभियान से ही हो सकता है, इसे विशुद्ध सामाजिक प्रयास है, शैक्षणिक सांस्कृतिक सामाजिक प्रयास, जिसको हम लोग भी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारा जो पूर्वज रहा है, विश्व शांति की बात कर रहा है, तो फिर विश्व शांति में पूरे देश की बात होनी चाहिए थी, फिर बिहार ही क्यों? क्योंकि भारत को हम एक विकसित देश, विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं 2047 तक, और 47 तक जो लक्ष्य हमारा भारत को विकसित बनाने का है, तब तक संभव नहीं है जब तक भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्र में विकसित हो जाए। तो बिहार आज पिछड़े राज्य की श्रेणी में आता है, इसमें पहला प्रारंभ हम लोग उस बिहार से कर रहे हैं जिसने उस अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व अनेक सेंचुरीज तक किया था। यदि बिहार जग गया, उसकी कल्पना शक्ति जग गई, उसके युवा जग गए, निश्चित है भारत को विकसित राष्ट्र बना के ही रखेंगे 2047 तक। सर, आपने स्पीच में भी कहा है कि युवाओं को धर्म जाति से ऊपर उठना, लेकिन जिस देश में राष्ट्रपति के चुनाव में जाति और धर्म देखा जा रहा हो, तो युवा फिर अन्य चीज़ों में कैसे देखे जाएंगे? नहीं, आप देखिए, सोचने का हर व्यक्ति का नजरिया अलग, तरीका अलग। मैं तो मार्ग बता रहा हूँ जिस मार्ग से हम लोग चलेंगे और चलना चाहिए, बिहार की दृष्टि ही बता रहा हूँ, तो अलग जगह की दृष्टि नहीं, मेरी दृष्टि नहीं है, अपने पूर्वजों की दृष्टि है। जब तक मिलकर हम नहीं चलते, साथ नहीं चलते, परे नहीं सोचते, यदि चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते तो अखंड भारत का साम्राज्य नहीं बनता। उस प्रकार की दृष्टि लेकर जब चलेंगे, निश्चित बिहार को बदलेंगे, यही उद्देश्य है। लेट्स इंस्पायर। थैंक यू।